खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, बचा लो मुझे इन दरिंदों से। तो ये वो लड़की है जिसके लिए इतने समंदर पार हुए। क्या रुखी सुखी चीज लाए हो? हाथ मत लगाओ मुझे। मैं होती तो कभी ना लाती तुम्हें। क्या मसला है? चाहती क्या हो आखिर? ये सब करके क्या मिलेगा? इसको तो जुबान चलानी भी आती है। बात सुनो, ये वो जगह है जहाँ वक्त किसी का साथ नहीं देता। क्या बकवास है, कहाँ ले आए हो मुझे? सीधी सीधी तरह जवाब क्यों नहीं देती? कोई नाम तो होगा इस जगह का। नाम जरूर है इस जगह का। मगर लोग इस जगह को अपने नसीब की रियायत से नाम देते हैं। किसी के लिए जन्नत से ज्यादा, किसी के लिए दोजख से बढ़कर। यहां भड़कते हुए अंगारे भी हैं और महकते फूल भी। तुम किसका इंतखाब करोगी? यहां हुसन के अंगारे बुझ जाते हैं और रूह भी झुलस जाती है। ये जगह एक डरावना ख्वाब भी है और खूबसूरत ताबीर भी। हाँ, इख्तियार किसी का नहीं। इस मछली को बगैर पानी के जीना होगा। घर जितना जल्दी भूल जाओगी बेहतर होगा। अगर ना भुलाया तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग होगी। लेकिन जन्नते आला और तुम्हारे बीच यही दरवाजे हैं जो खुल सकते हैं। ये जगह सराय उस्मानिया है, हर किस्मत भूलना। उस्मानिया।
बुलबुल आगा। मुनासिब वक्त पर सफिया सुल्ताना को खबर कर देना। जो हुकुम रेहान आगा। जन्नत ले जाओ इसे और इसे कोई नाम दे दो ताकि इसे उस नाम की आदत हो जाए। खदीजा। ये खदीजा क्या है? मेरा नाम अनस्तासिया है। कहाँ ले जा रही हो? कितनी बुरी हो तुम। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। उसे देखो कैसे खुशी से नाच रही है, जैसे शादी होने वाली है उसकी। आका ठीक हो गए, खुदा का शुक्र है। आज नहीं तो कल वो किसी एक कनीज को चुन लेंगे। देखते हैं वो खुशनसीब कौन होती है। होशियार, खानदान सुल्ताना तशरीफ ला रही है। मेरी सुल्ताना, बुलबुल अलिस्बत को हमारे हुजरे में लेकर जाओ। इसको भीड़ पसंद नहीं है, मालूम है ना? मेरे आगा खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी खुदा का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा रब उन्हें बुरी नजरों से बचाए। आमीन। खानदान, आप जानती हैं ना कि हमारी बिल्ली का नाम किसकी नस्बत से रखा गया है। हमारी दोस्त अल्लाह जन्नत नसीब करे उसे, मलका इंग्लिस्तान अलिस्बत की नस्बत से। जी मालूम है, उनकी मौत पर 3 दिन का सोग भी मनाया गया था हरम में। सोग तो मनाया जाना ही था, उन जैसी शख्सियत सदियों में एक दफा पैदा होती है, उनकी कीमत जाननी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुनासिब होगा कि आप हमारी कीमत जानें। दोबारा ना कहना पड़े। आइंदा जिस जगह हम मौजूद हुए वहां आप रसूमात के साथ ऐलान करती दाखिल हुई तो हमारे खिलाफ बगावत होगी। वो Thank you.
इजाजत है मेरे आका, वालदा सुल्ताना आ रही है। ठीक है। अरे रुक जाओ, अब गिर जाओगे तुम। मरीक्षा शहजादी को उनके हुजरे में लेकर जाइए। आप रुकिए दरवेश। मिस्र से ये खत आया है थोड़ी देर पहले, हाजी आगा ने भिजवाया है। इसमें लिखा है तुम्हारे मरहूम बाबा सुल्तान महमद की वफात बीमारी की वजह से नहीं हुई। बहुत बड़ा इल्जाम है मलिका, क्या उनके पास सबूत है? वो वजीर आजम के साथ ही मिस्र से लौट रहे हैं, उसी वक्त बताएंगे जो भी जानते हैं। लिखा है जान लीजिए मेरी सुल्ताना, सुल्तान महमद के साथ अगर ये सब कुछ हो सकता है तो सुल्तान अहमद भी नहीं बख्शे जाएंगे। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे शेर अहमद, मेरे बच्चे। अगर ये सब सच हुआ तो इसके माने तुम्हारे वालिद के कातिल यही मौजूद हैं। हकीम साहब से बात की है मैंने, असल वजह उनकी वफात की उनकी बीमारी ही थी वालिदा। और ऐसा कौन है जो जान लेना चाहेगा बाबा की, बताइए। कोई भी हो सकता है मेरे आका, और मुझे यकीन है कि हर एक के पास अपनी एक वजह होगी। पहला नाम है सफिया सुल्ताना। ये क्या कह रही है वालिदा, नामुमकिन है ये कैसे हो सकता है कि कोई मां अपने बच्चे को मार दे? क्या तुम्हारे भाई महमूद को मौत के मुंह में धकेलने वाली वो नहीं थी? तुम्हारे मरहूम बाप ने उन्हीं की बात मानकर उसकी जान ली थी। इसमें हलीमा सुल्तान का भी हाथ हो सकता है, उनके बेटे की जान ली गई थी जिसकी वजह से वो दुश्मन बन गई। कितने आराम से तुम्हारे बाप को रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन उनकी जगह तुम थे और तुम्हारी जगह मुस्तफा है। तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया जाएगा जब तक मुस्तफा जिंदा है। उस वक्त असल बात कुछ और है, आप मेरे भाई को मरवाना चाहती हैं कि मैं अपने जमीर को मार दूं। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो। ये मुझसे चले भी आज कैसे याद कर लिया हमें? महमद बिन कलंदर से मिलने आया हूं मैं। ये तोहफा हमारी हलीमा सुल्तान ने भेजा है, कबूलियत का शर्फ दीजिए। हमने इसे कबूल किया। आपको तो मालूम है कि तख्त पर एक बच्चा बैठ गया है, सुल्तान अहमद, और उसने ये वादा किया है कि शहजादे मुस्तफा की जान नहीं ली जाएगी। आज तक उस्मानिया की किस औलाद ने अपना वादा पूरा किया जो अहमद सुल्तान करेगा? क्या सुल्तान उस्मान ने किया, मुराद ने किया, बासेब ने किया, और सुल्तान सलीम ने किया? खुद सुलेमान ने नहीं किया। हाँ, किसने किया? हाँ सही कह रहे हैं, मगर जबकि हम एक साथ आए थे अनातोलिया, इस हुकूमत को एक साथ खड़ा किया,
उसके बाद क्या हुआ? उस्मान खानदान ने अपना मुंह फेर लिया, हर चीज के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, हमारे भाईचारे को भी भूल गए। सिर्फ यही नहीं किया हमारे साथ, बल्कि दुश्मन ठहरा दिया, जुल्म किया हम पर। अगर खुदा की इजाजत होगी और आपका साथ रहेगा तो हलीमा सुल्तान ये निजाम बिल्कुल बदल देंगी। जरा ये तो बताओ मूसा जलेबी के हलीमा सुल्ताना हमारी शरायत कबूल करेंगी क्या? अगर सुल्तान अहमद का तख्त उलट दिया जाए और उसके बाद आप शहजादे मुस्तफा की तख्त नशीनी में हमारी मदद करें। तो उस कुदार से आगे पूरा अनातोलिया आपके और आपकी औलाद के हवाले कर दिया जाएगा। दिलरुबा, मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बहन बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कहाँ है? वो सो रहा है भाई। मेरे आका, मैं मुस्तकिल आपके लिए दुआ गो हूँ मेरे आका। आपने कदीम कवानीन के बावजूद मेरे शहजादे की जान बख्श दी, अल्लाह राजी हो आपसे। दरवाजा खोलो फौरन। क्या सो गई वैशी हसीना? इससे खौफजदा नहीं। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाया दरवेश, नहीं देख पाया। क्या मैं सालिम अकबरान बनूंगा? इस वक्त खुद को बिलावजह हलकान मत करें। आप आदिल होंगे या जालिम बनेंगे, इसके लिए जिंदगी की जरूरत है। आपको जिंदा रहना पड़ेगा। दोबारा कभी ऐसी जुर्रत मत करना। हाँ, जहन नशीन कर ले। इस चेहरे को गौर से देख ले और इसे भूलना मत कभी। मेरा नाम है जन्नत, जन्नत। लेकिन वक्त आने पे यही नाम जहन्नुम भी बन सकता है।
और उस दिन के बाद से ये जो जैतून का दरख्त तुम देख रही हो, बरकत और इंसाफ के नाम से जाना गया और उसी के नाम से पहचाना गया। बस यही इसकी कहानी है, जब ही मशहूर है, समझी ना तुम बेटा। ये दरख्त आज के बाद मेरा हुआ। इसी दरख्त ने तो यहाँ की जमीनों को जरखेज किया है। हर तरह के तूफान के बावजूद इसकी जड़ों ने जमीन को पकड़े रखा। ये ताकत और उम्मीद है मेरी। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी जान, जहां तक तुम्हारी नजरें जाती हैं वो सब कुछ तुम्हारा ही है। देखना एक दिन तुम इस जजीरे की शहजादी बनोगी, बिल्कुल इस दरख्त की तरह, बहुत बहादुर, हर मुश्किल का सामना करने वाली बेखौफ शहजादी। बाबा कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ है, मुझे आके बचा ले बाबा। ये वो दस्तावेजात हैं जिसमें मैंने आपके वालिद की बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा है। इस संदूक में वो दवाइयां हैं जो मैं देता रहा, किस वक्त और कितनी मिकदार में दी गई, इसमें सब कुछ दर्ज है। अफवाहें तो ये हैं हकीम साहब कि उन्हें जहर देके मारा गया है। खुदा ना करे, ऐसी जुरत कौन कर सकता है। कोई दवाई उनके मुस्तकिल इस्तेमाल में थी? बिल्कुल थी, यहीं इसी में होगी। बस ठीक है हकीम साहब, जो भी दवाइयां दी गई थी उन्हें बखूबी जायजा लीजिए उन सब का। मैं किसी शक में नहीं रहना चाहता, फौरन तहकीकात करें। जी अपने घुटने मोड़ोगी और सर झुकाओगी और यूं अकड़ के खड़ी मत होना और कोई सवाल मत करना। कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं, बस खामोशी। किस बात का इंतजार हो रहा है अब तक? अगर नाम पूछे तुम्हारा तो कहना खदीजा है। क्या कहोगी नाम? खदीजा। शुक्र है मेरे रब के मलिका जाग चुकी हैं और आज मिजाजे गिरामी भी खुशगवार है। आइए। सुबह की रोशनी और सूरज आपके सामने सर झुकाने के लिए तैयार है मेरी मलिका। कासिम पाशा की जौजा कब से आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। जोहर के वक्त से पहले तशरीफ लाएंगी। बरसा के काजी की जौजा का इसरार है कि वो आके आपके पहलू में अपना सर रखना चाहती हैं। उन्हें असर के वक्त बुलाया गया है। जिन खवातीन का आपने जिक्र किया था वो दोपहर के वक्त तशरीफ लाएंगी। खाने के बाद आप मस्जिद की तामीर की ज्यारत करेंगी और दीवान की दस्तावेजात भी आपकी नजर सानी के लिए तैयार हैं।
हर सुबह अपने साथ बहुत कुछ नया लाती है। कुछ नया बुलबुल? जिस लड़की को तोहफे के तौर पर सुल्तान को पेश करना चाहती थी आप, उसे नसरुआगा इंतहाई जिम्मेदारी के साथ महल में ले आए हैं। क्या बात है, हमारी उम्मीद से बढ़कर निकली ये। बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल शफाफ। नाम क्या है? अनस्तासिया। सफे सुल्तान, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे वापस भेज दें, मुझे अपने घर जाना है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं मलिका, आपको आपके रब का वास्ता। माफ कर दीजिए मलिका, कम वक्त में ये तरबियत की है मैंने। तो इन लोगों ने तुम्हारा नाम खदीजा रखा है। जन्नत, तुम्हें इंतहाई खूबसूरत और नाजुक लड़की के लिए यही नाम मिला था। महपैकर हो तुम। मलिका, महपैकर बनके नहीं जीना चाहती हूं मैं। थोड़ी देर पहले खदीजा थी और उससे पहले अनस्तासिया, और अब के बाद तुम महपैकर होगी। क्या फर्क होगा? नाम बदलने से क्या ये भी बदल जाएगा कि तुम कौन हो? अनस्तासिया ही ठीक हूं मैं। सुनो मेरी बच्ची, पहला सबक गौर से सुनो। औरत अपनी पूरी जिंदगी अपनी खूबियों और सिफात से जानी जाती है। औरत पर कई मौसम आते हैं, बेटी होती है, बीवी होती है, माँ होती है, और अगर रब की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो मलिका भी बन सकती है वो। अहम बात यह है कि खुद को किस तरह, किस सिफत में और किस नाम से देखना चाहती है। बहुत ताबनाक मुस्तकबिल है तुम्हारा, तो बस हमारे साथ वफादारी निभानी होगी। कुछ हो जाए, हमारी इताअत के दायरे से बाहर ना निकलना। बाकी तुम समझदार हो। तो फिर क्या घर भेज देंगे मुझे? बहुत कुछ सीखना है तुम्हें माँ बहकर। दूसरी बात भी बता दो, अब तुम दोबारा कभी भी अपने घर वापस नहीं जाओगी। इसे हुजरे में ले जाएं, वक्त आने पे याका के सामने पेश की जाएगी। बड़ी मलिका, उसका नाम अनस्तासिया है मेरी मलिका। सफिया सुल्ताना के हुक्म से लाई गई है। हमारे आका ने उस लड़की की तस्वीर देखी थी। सफिया सुल्ताना से इसके अलावा कोई उम्मीद भी नहीं। अहमद को काबू में रखने का एक हरबा। वो दूदा खातून को भेजो हमारे पास। तुम खुदा का शुक्र अदा करो लड़की, आज मलिका की तबीयत खुशगवार थी, वरना बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ। तुम्हें तो सीधा मैं करती हूँ, पर काटती हूँ तुम्हारे। जन्नत, इसे कनीजों के पास लेकर जाओ। वालदा सुल्तान इस लड़की के लिए हुक्म दे चुकी हैं कि हुजरे के लिए तैयार किया जाए। इस हरम में सिर्फ एक वालदा सुल्तान है, और वो है हानदान सुल्ताना। समझी? उन्होंने हुक्म दिया है कि इसे कनीजों के पास लेकर जाया जाए। क्या इस हुक्म की तामील तुम नहीं करोगी जन्नत?
शाहिस्ता, इसे इसकी जगह बता दो और दर्जी से कहकर इसके लिए कुछ कपड़े बनवा दो। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये इन लड़कियों से मुख्तलिफ है। सफिया सुल्ताना ने इसको बहुत दूर से बुलवाया है, खास तौर पर आका के लिए तोहफा। बाकी आप खुद समझदार हैं। इस बात पर गौर करें और समझकर फैसला करें। दिखने में तो ये बहुत लड़ाका लगती है, यहाँ पर क्यों ले आए इसको? इस हरब में कितनी खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद हैं, तो इसको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं आना भी नहीं चाहती थी, मुझे नहीं चाहिए सुल्तान। हम भी नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर हो गए। क्या तुमने आका को देखा है कभी? जब भी उनसे सामना हो तो डरना नहीं, ठीक है? तुम डरोगी तो बहुत बुरा हाल करेंगे। किसी से भी डर नहीं लगता मुझे। लेकिन वो छोटी लड़की तो बहुत डरती थी बेचारी। कौन छोटी लड़की? आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा सर कलम कर देंगे। सुनो, जो बात मैं बता रही हूँ वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी को भी नहीं बताना। असल में जो हमारे आका हैं वो थोड़े मोटे हैं, इतना बड़ा सा पेट है उनका, और उम्र तो पूछना ही मत। लोग कहते हैं 100 साल के हैं। ओहो, 100 के तो कब के हो गए थे वो। कहा जाता है उन्होंने जादू करवाया है ताकि वो मरे नहीं, और ये भी कहा जाता है वो छोटी लड़कियों का दिल चबा लेते हैं। कोई रास्ता है बचने का? एक लड़की थी, पता है कैसे बची वो? क्योंकि कभी उसने उनकी नजरों में नहीं देखा था, जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई, जरा सी भी नहीं हिली थी, पत्थर बन गई थी वो। और फिर आका उसके करीब आए, उन्होंने उसे गौर से देखा और फिर वहां से चले गए। अल्लाह हम सबको बचाए, पता नहीं क्या होगा। आमीन। हमने सुना है कि हरम में सिर्फ एक वालदा सुल्तान है और वो हम नहीं हैं, क्या ये सही है? कायदे कवानीन आप जानती हैं मलिका, अब मोहर अपना हाथ बदल चुकी है। खास खजांची होने की वजह से वालदा सुल्तान जो हुक्म देंगी उनकी तामील लाजिम है मुझ पर। हम समझते थे कि सालों से तुम हमारे लिए काम करती आई हो, जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे मकाम की इज्जत करती आई हो। क्या अपनी सदाकत खो बैठी हो? हवा जिस तरफ चलेगी क्या तुम उसी तरफ जाओगी? हालात देखकर अपना किबला बदलना तुम्हें जेब नहीं देता। मेरी मलका, मैं यहां से जा सकती हो। मेरी मलिका, मूसा पाशा वो वापस आ चुके हैं। तुम मुस्तफा के साथ हमारे हुजरे में जाओ और उसे हरगिज़ अकेला न छोड़ना।
मेरी सुल्तान, उम्मीद है आप अच्छी खबर के साथ आए होंगे मूसा पाशा। आपके हुक्म के मुताबिक मैं इब्ने कलंदर के पास गया था, उसको बता दिया है कि वो हमारी मदद करेगा तो हम उसकी शरायत पूरी करेंगे। नतीजा? वो 20,000 नफरी के साथ जंग के लिए तैयार है। सुल्तान अहमद को तख्त से गिराकर उसने हमारे शहजादे मुस्तफा को तख्त पर बिठाने का वादा किया है। तैयारी कीजिए भरपूर, एक बड़ी जंग की, इसीलिए फौरन कूच करेंगे। वहां पांव मत रखना। सच्ची अहद किया था परसों पहले मैंने, सुल्तान महमद को बरतरफ कर दूंगा मैं, और वो मर गया। अब बारी है सुल्तान अहमद की और उसके भाई मुस्तफा की। ताजपोशी के वक्त एक फैसला किया था, अपने भाई शहजादे मुस्तफा की जान बख्शी थी, क्या वो फैसला दुरुस्त था मेरा? हम क्या कहेंगे, ये तो वाज़े है। अगर कत्ल का फरमान दे दूं तब भी यही राय होगी आपकी? तख्त तुम्हारा, फैसला तुम्हारा है और तूफान करीब है।